पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। लेट लतीफी कर्मचारियों का रोका वेतन, लापरवाही पर आरटीओ को किया सस्पेंड। आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी की सदस्यता से दिया इस्तीफा, विधानसभा चुनाव में दे मुख्यमंत्री का चेहरा। आज खुलेंगे द्वितीय केदार मदमहेश्वर धाम के कपाट, अब 6 माह तक यही होगी आराध्य की पूजा। चार धाम यात्रा पर उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे का 15 मीटर हिस्सा धंसा, 4,200 तीर्थयात्री फंसे। चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने किया पलटवार, प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा अव्यवस्था का राग अलाप कर राज्य की छवि धूमिल कर रही है कांग्रेस। उत्तराखंड में भीषण गर्मी और उमस से फौरी राहत, अगले 24 घंटे में 5 पहाड़ी जिलों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ मानसी यादव। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रुद्रप्रयाग की खबर से, जहां पर केदारनाथ हाईवे के अहम पड़ाव गौरीपुंड के व्यापारियों ने 20 मई को बंद का ऐलान किया है। व्यापारियों का कहना है कि गौरीकुंड में 6,000 तीर्थयात्रियों की रहने की व्यवस्था है, मगर प्रशासन की ओर से तीर्थयात्रियों को दोपहर 2 बजे बाद गौरीकुंड नहीं भेजा जा रहा है। व्यापारी सुबह निकलकर सीधे केदारनाथ धाम को जा रहे हैं, जिस कारण रात के समय उन्हें होटल लॉज खाली पड़े रहते हैं और उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में गौरीकुंड के समस्त व्यापारियों में प्रशासन की व्यवस्था से आक्रोश बना हुआ है। छह मई को बाबा केदार के कपाट खुल गए, 6 मई से आज तक कम से कम 10 से 12 दिन का समय हो चुका है यात्रा को। आज वहाँ की स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अभी तक वहाँ पे लाइट की सुचारू व्यवस्था नहीं है, पानी वहाँ पे समय पे नहीं आ पाता है और वहाँ पे लाइट की स्थिति बहुत बुरी स्थिति है और गंदगी पूरी कबाड़ जो बाजार से उठाया जाता है सारे कबाड़ मंदाकिनी में प्रभावित किया जाता है। ना वहाँ पे डंपिंग जोन की व्यवस्था हो पाई कबाड़ के लिए, ना कुछ हो पाया। अधिकारी को फोन किया, डीएम साहब को हम फोन करते, कई बार तो डीएम साहब हमारा फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। और अगली खबर पौड़ी से है, जहां जिले के उत्तराखंड लोक साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच कोटद्वार के तत्वाधान में सेंट थॉमस स्कूल पौड़ी में स्वर्गीय कर्नल जगदम्बा प्रसाद चंदोला की पुण्यतिथि पर मातृ पितृ विहीन छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। आयोजित कार्यक्रम में आयुक्त गढ़वाल सुशील कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि संस्था द्वारा समय समय पर ऐसे कार्य किए जाते हैं जो बेहद सराहनीय कार्य है। कार्यक्रम था मातृ पितृ विहीन जो बच्चे विभिन्न विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनमें ब्लॉक पौड़ी, ब्लॉक कोट और ब्लॉक पाभौ और ब्लॉक कंजखा, 4 ब्लॉकों से आए हुए मातृ पितृ विहीन बच्चे थे और ये बच्चे 24 बच्चों को आज 6,000 रुपया प्रति बच्चे के हिसाब से दिया और प्रत्येक बच्चे को एक बैग भी दिया जो कि हंस फाउंडेशन से की सहायता से मिला। लोक साहित्य और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ था सेंट थॉमस स्कूल में। ये कार्यक्रम इस संस्था द्वारा समय समय पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें ये निधन और जो एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दुर्भाग्य से अपने माता पिता को खो दिया है, उनके लिए स्कॉलरशिप देते हैं, उनके शैक्षिक उत्थान के लिए और आगे बढ़ने के लिए। उसके अलावा अन्य प्रकार की सहायता भी ये बच्चों को शिक्षण संस्थाओं को समय समय करते रहते हैं। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस लाइन रोशनाबाद में आयोजित महिला आरक्षी फॉरमैन की सर्वाधिक मानक प्रतिभाग करने वाली महिला भर्ती मामले में दूसरी युवती भी पुलिसकर्मी की बेटी निकली। वहीं जिला पुलिस लाइन कैंपस रोशनाबाद में 2 बार लंबी कूद लगाने वाली युवती जांच में पुलिस लाइन में कार्यरत एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बेटी है। भर्ती मामले में दूसरी युवती भी पुलिसकर्मी की बेटी निकली। SSP के आदेश पर सिगडुल थाने में अंजुम जायरा पत्नी असलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। टाइम में जो आजकल महिला अभ्यर्थियों की भर्ती चल रही है, इसमें
कल एक प्रकरण सामने आया जिसमें एक महिला अभ्यर्थी द्वारा अपने स्थान पर एक दूसरी महिला को खड़ा करके लॉन्ग जंप करवाई गई। ये मामला प्रकाश में आने पर तत्काल उस महिला का कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल किया गया और उसके एवं जिस महिला ने उसका स्थान पर जंप मारी थी उन दोनों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने दूसरे कार्यकाल में बेहद कड़े एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए सीएम धामी कड़े फैसले ले रहे हैं, जिसकी वानगी बुधवार को राजधानी देहरादून के आरटीओ दफ्तर में दिखाई पड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी देहरादून स्थित आरटीओ कार्यालय पर औचक निरीक्षण करने पहुंच गए थे। उसके बाद आरटीओ दफ्तर में क्या हुआ इसकी यह रिपोर्ट देखिए। धामी के एक्शन से देवभूमि में खलबली, आरटीओ में छापा, लापरवाहों पर गिरी गाज। सीएम के औचक निरीक्षण में सब बेनकाब, शिकायतों का संज्ञान, एक्शन धुआंधार। आरटीओ को सस्पेंड कर दिया। बुधवार को देहरादून आरटीओ में कर्मचारियों को दफ्तर में लेट आने की आदत भारी पड़ गई। कर्मचारियों की करतूतों से परेशान आम जनता की शिकायतों का संज्ञान लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐसी कार्रवाई की जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नजीर बन गई है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी बुधवार सुबह अचानक देहरादून के आरटीओ कार्यालय पहुंच गए। यहां अनियमितताओं को देकर उन्होंने फौरन आरटीओ दिनेश पठोई को सस्पेंड कर दिया। इस दौरान आरटीओ दफ्तर में 80% कर्मचारी गैर हाजिर मिलने पर सीएम धामी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसके बाद जो कुछ हुआ उससे पूरे आरटीओ में हड़कंप मच गया। बता दें अभी कुछ दिन पहले ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को समय पर दफ्तर आने का फरमान सुनाया था। फरमान पर कितना अमल हुआ ये देखने के लिए बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह 10 बजे अचानक आरटीओ दफ्तर पहुंच गए, जहां 80% कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले। सीएम धामी ने तत्काल आरटीओ और एआरटीओ को सस्पेंड कर दिया और गैर हाजिर सभी कर्मचारियों का 1 महीने का वेतन काटने का आदेश दे दिया। तो इसमें कड़ा एक्शन जो है इस पर, एक तो आरटीओ को सस्पेंड ही कर दी थी और इनकी जो भी लोग नहीं आए हैं उनकी सैलरी रोक दी थी, इससे है ना। ठीक है, देख लीजिए, चेक करवा लीजिए रजिस्टर वगैरह, बाकी यहाँ की जी शायद आ रहे हैं क्या है, उनको बुलाया जाता है। मतलब ये हमारा प्रमुख स्थान है और यहाँ पर जो है इस प्रकार की लापरवाही जो है, और जो हम लोगों ने हमारी सरकार ने जो तय किया है कि 10 बजे का टाइम है, 9:30 बजे का टाइम है, उस टाइम पर सभी कर्मी अपने अपने दफ्तरों में पहुँचें। पिछले कुछ दिनों से यहाँ की शिकायत मिल रही थी कि इन दफ्तरों में लोग ठीक टाइम से नहीं आते, जबकि हमारे यहाँ पहले ही सबके लिए सर्कुलर जारी हो रखा है कि ठीक टाइम पर पहुँचें और सभी जगह अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक कर दिया गया है। इसलिए आज मैं ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचा हूँ। जो भी कर्मी वहाँ पर नजारत पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लंबे समय से देहरादून आरटीओ कार्यालय में कर्मचारियों के समय पर न आने, जनता के काम में लापरवाही करने की शिकायतें सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिल रही थी, जिसकी हकीकत जानने के लिए खुद सीएम धामी देहरादून के आरटीओ पहुंचे थे। सीएम ने पूरी कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। सूत्रों के मुताबिक अभी कई और अफसरों पर गाज गिर सकती है। सीएम के औचक निरीक्षण और कार्रवाई से पूरे प्रदेश के विभागीय कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। चंपावत उपचुनाव सीट से उपचुनाव में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने हर की पौड़ी पर दूध अभिषेक किया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान, युवा मोर्चा व पदाधिकारियों ने सीएम धामी जी चंपावत चुनाव में प्रचंड जीत के लिए माँ गंगा में दूध अभिषेक कर प्रसाद वितरण किया। आगामी 30 मई को चंपावत विधानसभा में उपचुनाव होंगे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने तैयारियों में जुट गए हैं। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हितेश चौहान, महामंत्री अमन चौहान, दीपांशु शर्मा, प्रताप प्रधान सहित कई कार्यकर्ताओं ने माँ गंगा में दूध अभिषेक कर जीत की कामना की।
उत्तराखंड में मार्च के महीने से बिजली का संकट खड़ा हो गया है, जिसके चलते बिजली दूसरे राज्यों से महंगी दरों पर खरीदनी पड़ रही है और जनता को भी महंगी दरों पर उपलब्ध हो रही है। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने राज्य सरकार को सुरेंगाड़ पावर प्रोजेक्ट की बिजली को जनता तक पहुंचाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में यूजेवीएनएल का 5 मेगावाट का सुरेंगाड़ पावर प्रोजेक्ट जून 2021 से बनकर तैयार है, लेकिन इसकी बिजली का अभी तक उपयोग नहीं हो पा रहा है और रोजाना 5 मेगावाट बिजली हर दिन बर्बाद हो रही है। ऐसा ही रहा तो मार्च 2023 तक भी यही स्थिति बनी रहेगी। बता दें कि पिथौरागढ़ में साल 2018 में आपदा के दौरान सुरेंगाड़ पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा था। देखिए, मुझे लगता है एक तरफ बिजली का संकट है, दूसरी तरफ जिस तरीके से सरकार ने अभी 20% दामों की वृद्धि की थी बिजली में और अब यूपीसीएल ने उन्हें फिर से प्रस्ताव भेजा है कि 40% तक की वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे अभी की जो स्थिति है। ये जनता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको पुनः सत्ता में स्थापित करने का एक तोहफा है, मैं कहूंगी। और दूसरी तरफ आपने देखा कि एक तरफ आप कह रहे हैं बिजली का संकट है, दूसरी तरफ 5 मेगावाट जो बिजली है वो उत्पादित हो रही है। सुरेंगाड़ जो पिथौरागढ़ में 2021 से आपका पावर प्लांट बना हुआ है, उत्पाद हो रहा है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन ना होने की वजह से बिजली जो है आम जनमानस तक पहुंच नहीं पा रही है, तो वो बिजली आपकी जो है वेस्ट हो रही है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को बीसीसीआई से मान्यता मिलने के बाद जो विवाद इस एसोसिएशन के लंबे समय से अध्यक्ष रहे हीरा सिंह बिष्ट के साथ छुड़ा हुआ था, वही विवाद एक बार फिर गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर शुरू हो गया है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट को CAU और देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन से दरकिनार कर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिससे नाराज हीरा सिंह बिष्ट ने टूर्नामेंट के पहले ही मैच में मैदान पर धरना देने का फैसला किया। इन्हीं नाराजगी को लेकर हीरा सिंह बिष्ट से बात की गई। हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को BCCI की मान्यता हाल ही में मिली है, लेकिन इस कमेटी में जो भी मेंबर बनाए गए हैं उसमें एक नाम जो है वो दरकिनार किया गया है, जिसने उत्तराखंड क्रिकेट को 80 के दशक में एक नई पहचान दिलाई थी और क्रिकेट को आगे लेकर के गए थे। हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे साथ हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी ने उत्तराखंड क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है, लेकिन CAU में उन्हीं के नाम को लेकर अभी संशय बना हुआ है, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे साथ हैं। सर, 38वां एडिशन होने जा रहा है गोल्ड कप का, CAU का भी गठन हो गया है, नाराजगी किस बात को लेकर? मेरे में तो कोई नाराजगी नहीं है, मैं तो फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ शुरू से। हमने बनाया सींचा खून पसीने से, बच्चों का पेट काट के लगाया इसमें। ऐसे नहीं चलता ऑल इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग टूर्नामेंट को ले गए। तो मैंने अपना धर्म किया, अपना फर्ज को अदा किया, मैंने जाना क्या हो रहा। मुझे अफसोस थोड़ा इस बात की चिंता हुई कि मैंने अभी लिस्ट देखी, गोल्ड कप हो रहा, गोल्ड कप जाना जाता हमारे टीम से 4-5 लोगों से, मैं हो गया, वर्मा जी हो गए, मेघवाल जी हो गए, जिंदल जी हो गए, हम लोग शुरू से जुड़े थे। अब उससे मेरा नाम ही हटा दिया भाई, कोई बैठक नहीं हुई, कोई सूचना नहीं, मेरे से कोई जानकारी नहीं ली गई। आप इतने पावरफुल हो गए, जिसको चाहे घर बैठ कर बना दोगे, जिसको चाहे हटा दोगे। तो मैंने तो सींचा है इसको, मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। उत्तराखंड का पूरे देश की टीमें इसमें आई है, कैसे लोगों से चंदा ले लेकर भीख मांग मांग करके हमने खड़ा किया इस संगठन को। मुझे अफसोस सी बात का कि मुझे पूछ लेते, मेरी आवश्यकता नहीं है, मेरी वो नहीं है, मेरे से कोई सुयोग्य व्यक्ति आ रहा, कौन क्यों बना रहे, लेकिन कोई सूचना नहीं, कोई कंसल्टेशन नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं। तो ये घर की क्रिकेट बन के रहेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हीरा सिंह बिष्ट जी, जिन्होंने उत्तराखंड क्रिकेट को बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचाया है, लेकिन CAU और जो अभी हाल ही में गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है उसमें उनके नाम को सीधा सीधा दरकिनार किया है और उन्होंने ये फैसला लिया है कि 20 तारीख को जिस दिन इस टूर्नामेंट का आगाज होगा उस दिन वो वेन्यू पर जा करके धरना प्रदर्शन करेंगे। अपने सहयोगी आशु शर्मा के साथ अभिषेक कुमार, KNews India, देहरादून।
उत्तराखंड में 80 के दशक में शुरू हुए ऑल इंडिया गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का 38वां सीजन 20 मई से देहरादून में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनको चार ग्रुपों में बांटा गया है। कोविड के चलते दो साल बाद इस टूर्नामेंट का आयोजन एक बार फिर से उत्तराखंड में हो रहा है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड से संबंध रखने वाली देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रही है। इस टूर्नामेंट में चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन जैसी कई और बड़ी टीमें हिस्सा ले रही हैं। 20 मई से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जून को खेला जाएगा। 20 मई से स्टार्ट होकर 5 जून को इसका समापन होगा, 5 जून को फाइनल होगा, 5 जून को ही फाइनल करके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। कितनी टीमें? 16। यात्रा को लेकर सरकार के मैनेजमेंट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रियों के लिए अत्याधुनिक वाटर सिस्टम का लोकार्पण किया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री के सुर बदले हुए नजर आए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि कैपेसिटी सिस्टम से यात्री चार धाम यात्रा करेंगे और यात्रियों की संख्या को हम सीख रहे हैं। हम आने वाले वक्त में इन सब से सीख कर व्यवस्था में सुधार कर लिए जाएंगे, जिससे यात्रियों को दिक्कत नहीं होगी। अभी 3 महीने ना आने का नहीं है। हमने लोगों से आग्रह किया है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक हम करेंगे। ऑनलाइन के अंदर भी सूचना देने की व्यवस्था की जा रही है। हम इस पूरे सिस्टम से सीख रहे हैं। जो जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, चार धाम को यात्रा करना चाहता है, कोई चार धाम यात्रा नहीं करना चाहता, एक ही धाम करना चाहता है, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है और कोई दिक्कत आगे नहीं होगी। धीरे धीरे हम इसको व्यवस्थित कर लेंगे। हम निरंतर सीख रहे हैं, जैसी जैसी लोगों की डिमांड्स है उसके अनुरूप कार्य होता है। धन्यवाद। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वत्सल फाउंडेशन की सचिव श्वेता माशीवाल द्वारा रामनगर में अमांडा खत्या के निवासियों को बिजली, पेयजल और विद्यालय जैसी मूलभूत सुविधाएं दिलाए जाने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। मामले को सुनने पर कोर्ट की खंडपीठ ने भारत सरकार के वन सचिव, सदस्य सचिव नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, प्रमुख वन्यजीव संरक्षक उत्तराखंड, निदेशक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, अधिशांसी अभियंता यूपीसीएल रामनगर, अधिशांसी अभियंता जल संस्थान रामनगर, जिलाधिकारी नैनीताल, मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल को नोटिस जारी किया और 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में 6 सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है। आपको बता दें कि श्वेता माशीवाल उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रही हैं और अमांडा क्षेत्र में विद्युतीकरण को लेकर 2015 में धनराशि आवंटित हो गई थी और संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आमजडा में विद्युतीकरण के लिए एक भी पेड़ नहीं काटा जाना है, जबकि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार सिर्फ प्रति हेक्टेयर 75 से अधिक पेड़ काटे जाने पर ही वन विभाग में विद्युतीकरण हेतु केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार से निवेदन करने के बाद भी उनके बच्चे आमडंडा खत्ता रामनगर में है, जहाँ के मूल निवासियों द्वारा यहाँ याचिका दायर की गई थी कि उनको बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं आज़ादी के इतने सालों बाद भी उपलब्ध नहीं है और बार बार राज्य सरकार से निवेदन करने के बाद भी उनके बच्चे अंधेरे में रहते हैं। वहाँ पढ़ाई की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है और चिकित्सा की भी सुविधा नहीं है, जिस पर कोर्ट ने पूर्व में जवाब मांगे थे और आज जो जवाब दाखिल किए गए थे उसमें निदेशक कॉर्बेट जो तत्कालीन थे उनके द्वारा कहा गया कि बिजली की लाइन नहीं लगाई जा सकती क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना ये काम नहीं हो सकता। जबकि यूपीसीएल की ओर से जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब का जवाब था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो बिजली की लाइन बिछनी है उसमें मात्र 14 पेड़ों की लॉपिंग हो रही है और एक भी पेड़ नहीं कट रहा है, तो ऐसी परमिशन दी जा सकती है।
और अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ धाम से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक यूट्यूबर अपने पालतू कुत्ते के साथ बाबा केदार के मुख्यमंत्री के आगे पूजा अर्चना कर रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यूट्यूबर अपने कुत्ते से मंदिर के आगे स्थित नंदी भगवान की मूर्ति पर माथा टिकवा रहा है, साथ ही कुत्ते से हाथ भी जुड़वा रहा है, जबकि नंदी भगवान के पुजारी कुत्ते पर तिलक लगा रहे हैं। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर फैलने के बाद बाबा के प्रति आस्था रखने वाले कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और मंदिर समिति पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं मामले में बद्री केदार मंदिर समिति ने भी कड़ी आपत्ति जताई है और यूट्यूबर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की बात कही है। बता दें कि बाबा केदारनाथ का धाम अब आस्था के लिए कम और पिकनिक स्पॉट का केंद्र ज्यादा बन गया है। यहाँ लोग ऐसे आ रहे हैं जैसे वे सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए आए हों। मंदिर के दाएं बाएं से लेकर सब जगह लोग मोबाइल से तस्वीरें लेते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आस्थावानों की आस्था को भी ठेस पहुंच रही है। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। केदारनाथ में सोशल मीडिया के माध्यम से और पेपर समाचारों के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि भगत तो आ ही रहे हैं, लेकिन घर के अपने पालतू कुत्तों को केदारनाथ में ला करके जो एक भक्त की श्रद्धा, एक भक्त के भाव होते हैं, उस तरह से अपने पालतू कुत्तों को भी उनके पांव जो है कुत्ते के हाथ नहीं माने जाते हैं, कुत्ते के जो चार पैर माने जाते हैं, और कुत्ते के पैर भगवान को डायरेक्ट जो है नंदी जी को छुआना एक बहुत बड़ा अपराध है और धर्म के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मंदिर के मुख्य द्वार के समीप भगवान नंदी की प्रतिमा है, उसके प्रतिमा का पूजा अर्चना करते हुए दिख रहे हैं और उसके साथ में ही वो कुत्ते के पंजों के द्वारा भी भगवान नंदी की प्रतिमा को छुआ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के पश्चात मुझे तमाम स्तरों से सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत स्तर से लोगों ने संदेश भेजे हैं और जिसपे उन्होंने अपनी गहरी नाराजगी जताई है और धार्मिक भावनाओं के आहत होने की बात कही है, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान केदारनाथ जी करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जो धार्मिक स्थल है उनकी मान्यताओं, उनकी गरिमाओं के साथ छेड़छाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। मैंने जो मंदिर समिति के अपने मुख्य कार्याधिकारी हैं उनको लिखित में निर्देश जारी करे हैं कि वो इस संदर्भ में विधि सम्मत कार्रवाई करें। श्री शिरडी साई बाबा के स्थापना दिवस पर श्री सनातन धर्म मंदिर में प्रात बाबा का अद्भुत श्रृंगार बाबा भक्तों द्वारा किया गया। तत्पश्चात बाबा का विशाल भंडारा आयोजित किया गया। श्री शिरडी साई सेवा समिति के अध्यक्ष कमल जिंदल ने बताया कि बाबा के 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर समिति द्वारा हर साल की तरह इस साल भी बाबा का श्रृंगार व भंडारा किया गया। वरिष्ठ समाज सेवी व समिति के कोषाध्यक्ष महेश मित्तल ने कहा कि बाबा की महिमा अपरंपार है, उनके आशीर्वाद से हर साल भक्त जन अटूट श्रद्धा व विश्वास के साथ बाबा की महिमा का गुणगान करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। साईं बाबा की जो मंदिर में हमने मूर्ति स्थापना कराई थी सबके सहयोग से, तो उसके उपलक्ष्य में हर वर्ष कड़ी चावल का प्रसाद बांटा जाता है और हम साईं बाबा से, परमपिता परमात्मा से अपने देश की खुशहाली के लिए, अपने प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। 11 साल ये हम साईं बाबा और हमारे समाज के लोग आते हैं, साईं बाबा का स्थापना दिवस मनाते हैं और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है कड़ी चावल का प्रसाद वितरण होता है। भक्तों में सुबह से ही बहुत उत्साह है, बाबा का सुबह श्रृंगार हुआ है, स्नान ध्यान करवा करके सुंदर श्रृंगार हुआ है, उसके बाद भक्तों की यहाँ भीड़ आप देख रहे हैं बहुत लगी हुई है और लोग बड़े चाव से कड़ी चावल का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भारी बारिश से कुमाऊं को गढ़वाल के चौथान इलाके से जोड़ने वाला देघाट गढ़गाड़ जगतपुरी मार्ग बंद हो गया है। भारी बारिश के कारण देघाट गढ़गाड़ जगतपुरी को पौड़ी गढ़वाल के चौथान से जोड़ने वाला मुख्य मोटर मार्ग गढ़गाड़ और सुरमोली के बीच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और इस मार्ग पर आवाजाही पूर्ण रूप से बंद है। जब तक वैकल्पिक मार्ग नहीं बन जाता तब तक इस मार्ग पर बिना साई लोगों से जानकारी लिए यात्रा करने पर लोग फंस सकते हैं। बहुत ज्यादा वेयर है।
लक्सर क्षेत्र के करीब 40,000 किसान यूरिया खाद व डीएपी खाद के लिए गन्ना समिति व सहकारी समितियों के चक्कर काट रहे हैं। समितियों पर न यूरिया है और न ही डीएपी खाद और न ही जल्दी आने की उम्मीद भी नहीं नजर आ रही है। दरअसल समितियों से बिके खाद का डेटा ऑनलाइन नहीं हुआ है, इससे सरकारी दस्तावेजों में अभी समितियों पर स्टॉक मौजूद दिखा रहा है। लक्सर तहसील में 40,000 से अधिक किसान हैं। इन किसानों को इस समय अपने खेत में खड़ी गन्ने की फसल के साथ ही पशुओं के हरे चारे के लिए भी बोई गई चेरी फसल में डालने के लिए यूरिया खाद की जरूरत पड़ रही है। इनमें से ज्यादातर किसान लक्सर की गन्ना समिति या अपनी किसान सेवा सहकारी समिति से खाद लेते हैं। यहाँ से एक तो किसानों का साल भर के लिए उधार खाद मिलता है, दूसरे इफो से सीधे आपूर्ति होने के कारण इसमें मिलावट की संभावना भी नहीं होती है। सच्चाई यह है कि यूरिया की जब जब किसान को जरूरत पड़े वह किल्लत होनी होनी, यह शासन का फेलियर है। चाहे बीज की जरूरत पड़े किसान को, वहाँ भीड़ इकट्ठी करनी, खाद की जरूरत पड़े वहाँ भीड़ इकट्ठी करनी, गन्ना बेचना होगा वहाँ भीड़ इकट्ठी करनी। हमने जो हमारे डॉक्टर हरभजन सिंह है उनको हमने अपनी डिमांड लगा रखी है, भेज रखी है, और इसी सप्ताह जल्दी जल्दी खाद आ जाएगा और सबसे पहले किसानों की खाद की पूर्ति की जाएगी। समिति बार बार इफको एरिया मैनेजर से संपर्क में है और वो चाह रहे हैं, कह रहे हैं एरिया मैनेजर कि इसी सप्ताह डीएपी और यूरिया दोनों की रैक लग जाएगी और हमें भरपूर मात्रा में खाद मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। किसानों की समस्या, हमारे लगभग किसान अभी 25% किसानों की डिमांड अभी उसमें है, कुछ की पूर्ति हो गई है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।